अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो लेक्चरर हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे जो कंडक्ट हुआ है 6 दिसंबर 2020 को। मैंने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन मुझसे कलेक्ट हो सकें वो आपके सामने पेश कर सकूँ, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग PPSC में क्या होती है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं उनको कलेक्ट किया जाए, ठीक है। अब सिलेबस जो उन्होंने दिया था लेक्चरर का, वो जो 20% जनरल नॉलेज था और 80% सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को अगर हम टच करें तो सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, ठीक है। उसको हम कवर कर नहीं सकते, एक्सपर्ट बंदे होते हैं जो जिस भी सब्जेक्ट उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, जो रिपीटेड क्वेश्चन हों, जो जनरल नॉलेज के 20% से रिलेटेड हों, वो क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएँ। आज हम उन्हीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके सामने, जीके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल कोई भी पेपर हो उसको आपके सामने पेश करेगा, ठीक है। आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो जॉब से रिलेटेड या कोई पेपर से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन नए क्वेश्चन आएँ वो आपके सामने पेश हो सकें, ठीक है। बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानी। फ्रेंड्स, आज हम लेक्चरर हिस्ट्री 2020 के पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूएस स्टेट्स एट बिगनिंग, इसका मतलब क्या है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी करूँगा साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था कि USA यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका स्टार्ट में कितनी इसकी कॉलोनीज थी या कितनी स्टेट्स थी, ठीक है। स्टार्ट में इसकी 13 कॉलोनीज थी, जिसको कॉलोनीज बोले जाता है लेकिन और उनको स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, फिरोज खान नून। ये सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको कंसीडर किया जाता है। दरअसल इनको अगर स्टार्ट से गिने तो ये थर्ड पे आते हैं, ठीक है। आपने सेवंथ को एक्यूरेटली देख लेना है, सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, ठीक है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी फिफ्थ थे, उसके बाद आपने देख लेना है सेवन्थ पे कौन आता है, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन है इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है चाइना वॉल डायनेस्टी, जब चाइना वॉल कंस्ट्रक्ट हुई उसमें कौन सी डायनेस्टी थी, ठीक है, जो उसने रूल कर रही थी और या जिसने बनाई, वो मिंग डायनेस्टी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख लेना है, ये न्यू क्वेश्चन है। उसके बाद उमराव जान अदा, ये भी उर्दू का क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी गलत मेंशन है। उमराव जवान अदा मिर्ज़ा हादी रुसवा की किताब है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, मेहरुन्निसा किसकी बेटी थी, औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी, और यहाँ पे जब माँ का नाम पूछा हुआ था वो नूर जहाँ था, ठीक है। नूर जहाँ औरंगज़ेब आलमगीर की बीवी थी और उन दोनों की बेटी का नाम मेहरुन्निसा था, ठीक है। मुगलिया दौर में ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये एक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग्स पूछे हुए थे, अडल्टरेट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने टी के बाद ए भी डाला हुआ था, फिर आर के बाद ई भी डाला हुआ था, वहाँ पे चार ऑप्शंस में इसका राइट आंसर था अडल्टरेट, ये स्पेलिंग्स राइट हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट कायदे आज़म थे, सेकंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है, पर्ल मॉस्क्यू ये किसने बनवाई, पर्ल मॉस्क्यू कहते हैं उर्दू में मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो कि लाहौर में वाक़ है, ठीक है। उसका पूछा हुआ था कि ये शाहजहां ने बनवाई, ये दो तरह से क्वेश्चन आता है। अब इन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया पर्ल मॉस्क्यू, कन्फ्यूजन हो जाती है समटाइम, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना एक बड़ी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट के पर्ल मोती को कहते हैं और मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है, हज़रत अली को किसी ने कत्ल किया, उसका राइट आंसर है अब्दुल रहमान इब्ने मलजिम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन है, हज़रत हलीमा सादिया किस ट्राइब से बिलोंग करती थी, किस कौन सा उसका कबीला था, वो उसका नाम था बनू साद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन है, इब्ने बतूता कौन सी सेंचुरी के एक्सप्लोरर थे, वो 14th सेंचुरी के एक्सप्लोरर थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, 14th to 17th जो सेंचुरी है उसको किस से बिलोंग किया जाता है, जो इरा बनता है 14th से 17th सेंचुरी का, वो रेंसियंस मूवमेंट का एक इरा समझा जाता है, रेंसियंस मूवमेंट जो स्टार्ट होती है इटली से, ठीक है, और उसके इरा को 14th to 17th इरा समझा जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का इराक को अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लें, 1899 को ये आते हैं और उसके बाद 1905 को ये चले जाते हैं। 1905 को लॉर्ड मिंटो आ जाते हैं, ठीक है, वो मिंटो मोरले रिफॉर्म जो देते हैं आगे जाकर। तो इनके इराक में से एक क्वेश्चन पूछा था, NWFP एज अ प्रोविंस इनको एक्सेप्ट किया था, तो वो इराक किसका था 1901 में इराक था लॉर्ड कर्जन का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ मैसूर भी किसको बोला जाता है, वो टीपू सुल्तान, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, अमृतसर इंसिडेंट, अमृतसर जो इंसिडेंट हुआ था 1990 में, कौन से जनरल के नाम से इसको याद किया जाता है, वो जनरल डायर थे जिन्होंने मैस किलिंग की थी, इन्होंने फायरिंग करके मोर देन 300 लोगों को किल किया था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, सर सैयद का एक बुक के बारे में पूछा हुआ था, कौन सी बुक थी जो कल्चरल चेंज के ऊपर उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो आपने सर्च करनी है कल्चरल चेंज के ऊपर कौन सी बुक थी, ये कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सी बुक का नाम है उनका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास मैथ्स का एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसका ये आंसर था जो आपके सामने, उसको मैथ्स का मुझे एक्यूरेट आंसर क्वेश्चन मिला नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास 8th अमेंडमेंट थी जो कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो 8th अमेंडमेंट थी वो किससे रिलेटेड थी, वो प्रेसिडेंशियल पावर्स से रिलेटेड, इसको प्रेसिडेंशियल जो पावर्स थी उसको इन्हेंस किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आइडिया ऑफ हिस्ट्री, आइडिया ऑफ हिस्ट्री किसने दिया था, कॉलिंगवुड, ये ब्रिटिश थे, इन्होंने आइडिया ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले पेश किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, ये एक बुक थी व्हाट इज हिस्ट्री, ये बुक का नाम था, ये किसने लिखी थी, ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ EH Kerr, ठीक है। आपने इसको क्वेश्चन नंबर 20 को एक दफ़ा गूगल कर लेना है क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा कि ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेरा मकसद था कि क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएँ ताकि दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हों तो आपको पता होगा इसके एक्यूरेट आंसर क्या है, ठीक है। फ्रेंड्स, जितने भी मुझसे कलेक्ट हुए क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर ऐसा पेपर होता है वो आपके सामने मैं पेश करूँगा इंशाल्लाह, और इसके सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेट कर। आज में जो कुछ क्वेश्चन मिस्टेक थी, कुछ करेक्शन थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पेपर में वो करेक्शन नहीं होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, GK Expert YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।